नंबर 11 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा माइनस का कॉस बीटा इक्वल टू में बी देन टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू वॉट, इसमें से किसके इक्वल होगा। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? साइन सी प्लस साइन डी का हम लोग फॉर्मूला क्या जानते? चलिए, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू ए, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला अगर यहाँ पे लगाएं तो कॉस सी माइनस कॉस डी का होता है माइनस का टू साइन, माइनस का टू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू में बी, इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड में हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, यानी माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू और बाई में टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू, अल्फा माइनस बीटा बाई टू इक्वल टू में बी बाई में ए। देखिए ना, यहाँ पे ये आपका कट जाना है, टू से टू कट जाना है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू और इक्वल टू में बी बाई ए, माइनस उधर लगा देंगे तो यहाँ से टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू का वैल्यू माइनस का बी बाई ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा।